स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल। दिन है आज का 21वां चैंपियंस के घमासान में। 10 सीजन अभी तक प्रो कबड्डी के हुए हैं, ये 11वां सीजन है और 5 ट्रॉफीज इन दिनों ने मिलकर शेयर किए। पटना पायरेट्स के खाते में 3 और 2 बार के चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स पर पिछले 5 मैच की फॉर्म 3 हार 2 जीत अगर आप देखें, और पिछली मैच जीत के साथ आ रही है पिंक पैंथर्स सामने पटना पायरेट। शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन देशवाल। बिल्कुल, बहुत कुछ निर्भर करेगा आज अर्जुन देशवाल के प्रदर्शन पर। पहली रेड है, बोनस लेकर के गए, ये बताता कि आज वो कॉन्फिडेंट है। और ये कमाल है, सुरजीत को बाहर किया। जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस खासतौर पर उसके पुराने डिफेंडर्स पर निर्भर कर रहा है। एक दो 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 पॉइंट्स दो टू पॉइंट। नीरज नरवाल का इंक्लूजन टीम के अंदर बहुत कुछ ऐड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वन पॉइंट पटना पायरेट नंबर सिक्स। हाँ, यहाँ पर टच पॉइंट ले आए हैं। सिंगल हैंडेड डैश करने की कोशिश अर्जुन देशवाल को। उनका कद भी बहुत बड़ा है और उनका अंदाज भी, क्योंकि एक अकेला डिफेंडर काफी नहीं है अर्जुन देशवाल के लिए। 6 का डिफेंस और आज की शाम पटना पायरेट्स की तरफ से सिर्फ देवांग ही बैक टू बैक रेड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, यानी अब अयान को मौका मिलेगा। और जयपुर पिंक पैंथर्स अगर हम पिछले 4 मैच की बात करें, नीरज उनके टॉप रेडर रहे हैं, सबसे ज्यादा अंक उन्होंने लिए हैं और सही समय पर राइट कॉर्नर के अंदर गए, स्ट्रेच करते हुए रनिंग हैंड टच किया। लॉबी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है उसका एक बेहतरीन एग्जांपल दिया। यहाँ पे रॉक सुपर टैकल की स्थिति है। बैक किक बढ़िया अर्जुन देशवाल का। 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। इस बैक किक की गूंज यहाँ तक सुनाई दी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अर्जुन देशवाल पिछले 2-3 मैचेस में थोड़ा सा आउट ऑफ टच थे। क्या जबरदस्त वापसी की है। रेडर के बाद आप सीधे जाएंगे, अंकुश को अटैक करने की कोशिश की। रेजा ने कहा बोनस पॉइंट हमारी रेजा नहीं है। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट्स जयपुर पिंक पैंथर्स। बिल्कुल, ऑल आउट से पहले बोनस लेने में ही समझदारी है। सुरजीत अच्छी फॉर्म में आए, रजा अच्छी फॉर्म में आए हैं, अंकुश अच्छी फॉर्म लेकर आ रहे हैं और आज का मैच तो अर्जुन भी फुल फ्लैज में रेड लगा रहे हैं। नंबर 2 आउट। बहुत खूब रेडर आउट। बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स, 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स। क्लियरली इनके आने के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स को राहत मिली है, क्योंकि अनुभव भी है इनके पास में, साथ ही साथ अर्जुन देशवाल को जिस किस्म के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हालांकि यहां पर जरूर बाहर हुए। पटना पायरेट्स। और शुभम शिंदे का फ्रंटल ब्लॉक एक अच्छा संकेत देता है कि पटना पायरेट्स का डिफेंस पॉइंट ला पाए, पर यहां राइट कॉर्नर से गलती हो गई, अयान को बैक होल्ड करने चले गए थे पटना पायरेट्स। अर्जुन देशवाल पिछली 5 रेड में 4 रेड पॉइंट, क्लियरली बैक इन फॉर्म। बीच में 2 मुकाबलों में थोड़ा हल्का फुल्का खेले। अर्जुन देशवाल 3 पॉइंट्स। पवार पैंथर्स नंबर 2 33। ये है एचपी रेसर जेन 6 सुपर रेड, द पावर टू थ्रिल। तीसरा सुपर 10 और क्या बिजली की गति। अंकित पर बैक किक लगाई, सामने से नीरज आए, उन्हें भी एक तरफ धकेला और मिड लाइन को क्रॉस किया। अयान आते से ही एक्सेलरेट करना चाहते थे। क्या अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन जारी है मंत्रा देवांग और अयान का। रेजा से इस बार गलती हुई, कितने अंक। नंबर 1 आउट अर्जुन देशवाल, जिन्होंने अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लिया पहले हाफ में ही। पहले 2 मुकाबलों में भी सुपर 10, इस मुकाबले में भी सुपर 10, हालांकि इधर जरूर गिरफ्त में लिए गए। 1 पॉइंट दूसरी बार पटना पायरेट आउट हुए हैं इस मुकाबले में। ऑल आउट की कगार पर खड़ी जयपुर पिंक पैंथर्स। पटना पायरेट्स के नौजवान रेडर्स ने गियर शिफ्ट कर दिया है। अभिजीत मलिक शुरुआती 7वें ने रखा गया, फिर सब्स्टिट्यूट कराया गया राइट कॉर्नर के ऊपर से,
जंप लगाना चाहते थे जयपुर पिंक पैंथर्स, कॉर्नर डिफेंडर ने गिरफ्त तो बना ली तो फिर निकलना आसान नहीं है। ऑल इन जयपुर पिंक पैंथर्स। बिल्कुल जयपुर पिंक पैंथर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये पटना को अब रोका जाए, क्योंकि शुरुआत में डिफेंस नहीं चल रहा था, अब डिफेंस भी चल रहा है और यहाँ चलिए क्या बोनस की मांग है। बिल्कुल बोनस कंफर्म हो जाएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स मुकाबले एकदम से पलटते दिखाई दे रहे हैं इस बार। लीड किसी की और फिर वर्चस्व किसी का। सीधे पैरों पर गए और ढेर कर दिया अर्जुन देसवाल को। सुरजीत सिंह ने जब कबड्डी खेलना शुरू किया था देवांग शायद स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन आज दोनों आमने सामने हैं और टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। ओहो टक्कर भी ऐसी कि दिन में तारे नजर आ गए। मीर बघेरी चल नहीं पा रहे हैं, सुरजीत चल नहीं पा रहे हैं। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट। 20 मिनट का खेल अब केवल बाकी है। पटना पायरेट्स 4 पॉइंट से लीड कर रही है। अर्जुन देसवाल के पास है, अनुभव की खदान है, लेकिन पहला हाफ शानदार था, दूसरा हाफ कैसा होगा आंकड़े बताते हैं बेहतर होता है। जी हां बिल्कुल, 6/6 का रिकॉर्ड तो इनका है। 66% का रेट स्ट्राइक रेट इस चरण में, यानी कि 20 से 30 मिनट के बीच में। लेकिन ये 6 का डिफेंस जो है ये बड़ा खतरनाक रहता है। खतरनाक अर्जुन देसवाल है। अर्जुन देसवाल जिसे रेड मशीन के नाम से जाना जाता है, एक बार मशीन चल पड़ी तो बस चल पड़ी। एक दो तीन चार, अर्जुन देसवाल का हाहाकार। 5 points जयपुर पिंक पैंथर्स। ये दिल भी अड़ा है बच्चों की तरह, जिद पर या तो सब कुछ ही चाहिए या कुछ भी नहीं। और अंतिम खिलाड़ी पटना पायरेट्स के मैट पर मौजूद है, रिवाइवल चाहिए होगा। दीपक वहां पर रेड पर आए हैं, अमूमन एक डिफेंडर हुआ करते हैं, बट राइट हैंड से नीरज ने गलती की है। रिवाइवल का मौका दिया है पटना पायरेट्स को, बोनस भी मिला है और एक टच पॉइंट भी मिला है। ऑल आउट 1+2 3 points जयपुर पिंक पैंथर्स। नंबर 33 आउट। एक बार फिर पटना पायरेट्स को ऑल आउट के करीब धकेला उस 1.5 point रेट ने। पटना पायरेट्स क्लियरली जौहरी को पता है कि हीरे की वैल्यू क्या है, लेकिन वो हीरा दिखाना कब है, दुनिया के सामने लाना कब है, ये हीरे की किस्मत में है। समझे ना, जयपुर पिंक बिल्कुल वो हीरा तराशा कब जाएगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इस पूरे सीजन में कि कोई एक टीम जो जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस ने घेरा है बकायदा देवांग को। जयपुर पिंक पैंथर्स और ये सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। रेजा साहब ने वही किया जो वो करते आए। हाँ दीदी मैं भी यही कह रहा था। 34 रेड पॉइंट, फिर पिछले 4 मैच 19 और आज के अकेले मुकाबले में 19, यानी कि शंखनाद कर दिया अर्जुन ने इस सीजन का। फिर ये 20वां भी जोड़ दीजिए, पिछले 4 मैचेस की बची हुई कसर इस मैच में पूरी तरह निकाल रहा है ये रेड मशीन अर्जुन देसवाल। लेफ्ट कवर पर उनका रिकॉर्ड तोड़ दे। ऑलमोस्ट देयर, करीबी करीबी मामला पार हुआ कि नहीं। वेट रेड आउट 1 point पर। ओहो क्लियरली नहीं हुआ, नहीं तो ये एक और बड़ी रेड होती। संजय दा डू और डाई रेड आए, पहली डू और डाई रेड आ रही है संजय दा। बिल्कुल डू और डाई में डिफेंस को जो नहीं करना था वो उसने कर दिया। डू और डाई रेड में इनका रिकॉर्ड देखिए 88% का स्ट्राइक रेट है। सुरजीत के ऊपर बार बार फ्लाइंग हैंड टच लगाने की कोशिश, सुरजीत सामने आए, अंकुश ने काम करके दिखाया। ये है मिलेनियल डिफेंडर्स वर्सेस जेन ज़ी रेडर्स। काफी एडवांस खड़ी है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम और बढ़िया चेन टैकल यहां पर, एब्सोल्युटली रिमार्केबल, मजा आ गया देखकर। जयपुर पिंक पैंथर्स ये कोशिश पूरी अभी भी बरकरार, 10 सेकंड का खेल बाकी। अर्जुन डीप जाएंगे और रोक लिए जाएंगे, बहुत जरूरी टैकल ये इस मुकाबले का। और ये केवल साधारण सा टैकल नहीं है, ये है रॉक सुपर टैकल मगर की जकड़। इस टैकल से पटना पायरेट्स और नजदीक आ गए हैं। अर्जुन को फ्रस्ट्रेट किया, कम से कम 22 सेकंड उनके निकलवाए। सुरजीत का अनुभव काम आ रहा है, फ्रंटल ब्लॉक चेन को नलीफाई किया, डांस को नलीफाई किया,
जयपुर पिंक पैंथर्स धीरे धीरे अंक और लीड प्राप्त कर रहा है। नीरज नरवाल तीन के हाउस में शफल जरूर करते हैं, किसकी तरफ जाएंगे, लेफ्ट से अटैक आया, शुभम शिंदे का सही समय पर सपोर्ट, नवदीप ने भी बाजी मारी और ये आता हुआ दूसरा सुपर टैकल, रॉफ मगर की जकड़। सुपर टैकल, टू पॉइंट्स पटना पायरेट्स। जी हाँ, ये है रॉफ सुपर टैकल मगर की जकड़, जहां पर पटना पायरेट्स ने इस मुकाबले में वापसी करी है और बराबरी कर ली है। 40-40 की बराबरी है तो फिर टाई की संभावनाएं भी प्रबल है और अविश्वसनीय टैकल भी जारी है। बाहर कौन गया है, सबसे बड़ा शेर अर्जुन देशवाल, पटना पायरेट्स क्या एक अंक की बढ़त अब फिर से प्राप्त करेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये रेडर जो एक नया रेडर आया है इस मुकाबले में आज की शाम, क्या इस खेल में कुछ बदलाव ला सकता है। नहीं, पटना पायरेट्स, शुभम शिंदे सही वक्त पर फॉर्म में आए। देवांग पकड़े गए तो भी सिर्फ एक अंक जयपुर पिंक पैंथर्स को मिलेगा और ये सीजन प्रिडिक्ट करना कि कौन जीतेगा मंत्र ये बिल्कुल नामुमकिन है। 0-0 बचा है, इसका अर्थ है पटना 2 अंकों से मुकाबला अपने नाम कर चुकी है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।